अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये देखें आज हम न्यू बुक स्टार्ट करेंगे प्ले ग्रुप क्लास। ये है ए टू एम अल्फाबेट फन। ठीक है, आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये बुक स्कूल में अवेलेबल है, आप स्कूल से परचेज कर सकते हो। इस बुक का फुल पेज है ये। ठीक है, ये ऑक्सफोर्ड की बुक है, ये आप स्कूल से परचेज कर लें। इसको स्टार्ट करते हैं जी स्टूडेंट। हम बुक पेज 10 से स्टार्ट करेंगे, 10 और 11 को रीड करते हैं। यह है ए। ए फॉर एंट। एंट क्या है? एनिमल है? नो, एंट इंसेक्ट है। ठीक है, और ये एंट जो होती है बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग इंसेक्ट है, मेहनत करता है। ठीक है, ये चुंटी बोलते हैं इसको उर्दू में, इसको वैसे एंट बोलते हैं। ठीक है, नॉट आंट, एंट। ठीक है, और जो है वो हार्डवर्किंग इंसेक्ट है ये। ठीक है, आप देखते हो इसके मुंह में एक छोटा सा एक चावल का यानी कि चीनी का एक दाना होता है। ये कुछ भी ये अपने लिए खाना जो है वो कैसे लेकर जाता है, और फिर उसके अलावा ये विंटर के लिए खाना कैसे जमा करता है। तो ये क्या है? इंसेक्ट है और हार्डवर्किंग है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक ही ट्रेसिंग बताती हूँ। ये देखें, ये वन लिखा हुआ है, यहाँ पे रेड डॉट है, यहाँ से आपने रेड डॉट पे यूँ ट्रेसिंग करते हुए आना है। एक सेमी सर्कल आपने ड्रॉ करना है एरो तक, देन आपने सेकंड जहाँ पे ये टू लिखा हुआ है वहाँ पे रेड डॉट है, फिर वहाँ से स्टार्ट करते हुए एक स्ट्रेट लाइन आपने लगानी है एरो तक। ठीक है, ये है हमारी ए की ट्रेसिंग। और जो बाकी ए है ये देखें, उसको भी यहाँ ये वाले रेड डॉट से स्टार्ट करना है। यूँ हम लिखेंगे एक सेमी सर्कल, देन हम फिर से रेड डॉट पे जाएंगे और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, आपने इधर भी पेंसिल से ट्रेसिंग करनी है, यहाँ पे भी पेंसिल से ट्रेसिंग करनी है, इसको भी पेंसिल से ट्रेस करके इसमें आपने ब्राउन कलर करना है। ठीक है, और यहाँ पे जिस जिस एंड में ए लिखा है उसमें आपने ब्राउन कलर करना है। इस एंड में ये है, इस एंट में, इस एंट में, इस एंट में। ठीक है, और उसके बाद ये बड़ी वाली जो एंट है इसमें भी आपने कलर करना है। ठीक है जी स्टूडेंट, मैं आपको ए का लाइन का कॉन्सेप्ट भी देने लगी हूँ। ये मिड की टू लाइन में हम लिखते हैं, यहाँ से हम अपना एक सेमी सर्कल ड्रॉ करते हुए ऊपर जाते हैं, देन हम नीचे आके यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके थोड़ा सा कर्व दे देते हैं। आप ये कर्व ज़्यादा मत दीजिएगा, अभी आपने देखा है कि आपकी बुक में ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, लाइन का कॉन्सेप्ट दे रही हूँ, मिड की टू लाइन में से आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, सेकेंड लाइन को टच करते हुए थर्ड लाइन को नीचे से टच करना है, देन आपने ऊपर जाके एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, इस लाइन तक। ठीक है बच्चों, ये है ए की लाइन कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है कि लाइन में स्मॉल ए को आपने कैसे लिखना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।